कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। पंजाब हरियाणा में इसका असर भी अब दिखने लगा है। पंजाब हरियाणा में कई जगह हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में पुलिस मुस्तैद है। ये तीन तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आपके सामने, पंजाब, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, जहां आज अब भारत बंद का असर दिख रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस मुस्तैदी के साथ खड़ी है, लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं प्रदर्शनकारी भी अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से ये तीन तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन तेजी में, साथ ही पुलिस भी मुस्तैद। किसानों के आंदोलन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत भी तैयारी करते हुए नजर आए। सुबह सुबह राकेश टिकैत नाश्ता तैयार करते हुए नजर आए। देखिए, बंद का आह्वान किया गया है, किसान आंदोलन को 10 महीने हो गए हैं और किसानों के लिए जो वहां पर तमाम किसान मौजूद है, राकेश टिकैत भी उनके साथ मिलकर वहां पर नाश्ते की तैयारी करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत खुद तमाम किसानों के साथ वहां पर मौजूद हैं। हालांकि बंद का आह्वान किया गया है और गाजीपुर की तरफ जो ट्रैफिक आता है वो चाहे गाजीपुर के दूसरे तरफ से यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहा हो और या दिल्ली की तरफ से जा रहा हो, उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। आज सोमवार का दिन है, लोगों की इससे अच्छी खासी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, जो लोग दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं और निकलेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से, जहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत तमाम अपने साथियों के साथ बाकी लोगों के लिए नाश्ता बनाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुद वहां पर मौजूद है और साथ में सब्जी काटते हुए, आलू काटते हुए जो तस्वीर उनकी आई है। और सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। 10 घंटे का भारत बंद है और इस बीच जो गाजीपुर बॉर्डर पर जाने वाला रास्ता है उसको बंद किया गया है। राकेश टिकैत वहां पर मौजूद है लगातार अपने साथियों के साथ। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को 10 महीने पूरे हो गए हैं। लगातार तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान बॉर्डर्स पर, अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह अपील एक बार फिर की है कि किसान बंद को छोड़ें, आंदोलन को छोड़ें और बातचीत के टेबल पर आएं ताकि कोई हल निकाला जा सके। प्रोग्राम यह है कि बंद रहेगा आज और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है, ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए और बंद है, पूर्ण रूप से भारत बंद है। उसमें दुकानदारों से भी अपील करिए कि वो भी आज बंद रखे और 3-4 बजे के बाद में खोल लें उसको। चुनाव कहाँ हो गए, चुनाव प्रचार हम किसका करेंगे? 5 राज्यों में होने वाले हैं चुनाव। नहीं तो किसका चुनाव प्रचार कर रहे हैं हम? ये तो पहला क्वेश्चन करा आपने। हम किसी का चुनाव प्रचार नहीं करते, ठीक है। हम तो यही है, हम तो आंदोलन करेंगे, चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं। तो आप चुनाव में भी तो जाएंगे सरकार को वोट करने के लिए, ऐसा बोला? अरे जब जाएंगे वहाँ कहीं अपनी मीटिंग करने जाएंगे तो लोगों को बताएंगे अपना, भाई जो सरकार खिलाफ कानून लेकर आई तो सरकार से बचना। अब सरकार किसकी होगी, हम तो भारत सरकार का विरोध करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे और आदर्श शिखा, उन्होंने ये पहले ही अपील कर दी है कि अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो लंच करके निकले, नहीं तो जाम में फंस सकते हैं, क्योंकि कई नेशनल हाईवे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। भारत बंद का आह्वान यहां पर किया जा रहा है और इसी किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की सीमा पर पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली के गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर पर तैनाती भी बढ़ा दी गई है और कुछ तस्वीरें भी इसके सामने आई, जब अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस की जो तैनाती है वो की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के भारत बंद के चलते पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। टिकरी बॉर्डर के पास है पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन, इसको भी बंद कर दिया गया है। सीधी बात है कि लोगों को दिक्कतें इस बंद के बाद हो सकती हैं, अगर लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो जाम में फंस सकते हैं शिखा। और ये भी देखना होगा कि जो मेट्रो स्टेशन है उस पर भी इसका अब असर पड़ने लगा है।
देखिए लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पे दिल्ली के बंद के लिए किसान वहां पर डटे हुए हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात कीजिए, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात कीजिए या गाजीपुर बॉर्डर की बात कीजिए। आज के एमपी हाईवे को भी जाम करने की कवायद है, उधर से भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई है, वहां पर भी इस बंद का असर दिखना शुरू हो गया है और लगातार करीब 10 घंटे का ये बंद है। और आह्वान यही किया गया है कि 4 बजे के बाद बंद टूटेगा, लेकिन कोशिश यही कि तीनों कृषि कानूनों पर सरकार से बातचीत हो। जी, खबर पे जो भी ताजा जानकारी होगी सबसे पहले आपको मिलेगा एबीपी न्यूज पर। आज किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की सीमा पर पुलिस मुस्तैद है। दिल्ली के गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर पर तैनाती पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा बॉर्डर पर किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई और गाजीपुर बॉर्डर पर भी चाक चौबंद प्रबंध। धार और तेज करने के लिए आज पूरे भारत में किसानों ने भारत बंद बुलाया है और इसी को देखते हुए दिल्ली में प्रशासन जो है वो अलर्ट दिखाई दे रहा है और तैयारियां काफी ज्यादा हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। ये वही जगह है जहां पर शुरुआती दौर में किसानों का जत्था जो है वो यहां पर बैठा था, लेकिन बाद में उनको समझा बुझा के यहां से हटवा दिया गया था। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि ये बॉर्डर है, दिल्ली का बॉर्डर है, नोएडा से का बॉर्डर है। इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए कितनी ज्यादा पुलिस बैरिगेटिंग जो है वो लगी हुई है। साथ ही साथ जो पुलिस अफसर है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में, किस तरह से पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर है, मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर जब से ही किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो हमेशा अलर्ट रही है। किसानों ने जब जब भारत बंद का ऐलान किया है या जब भी किसानों ने किसी तरह के एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है तो इस बॉर्डर पर हमेशा देखा गया है कि बैरिकेटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। तो वही तस्वीरें आज भी यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं कि पुलिस जो है इस वक्त यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मध्य एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।